हाय फ्रेंड्स, मैं अकबर शेख, इलेक्ट्रो होम्योपैथी कंसल्टेंट। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेटोरेल ग्रुप की औषधि पेटोरेल 2 की। इसे बनाने के लिए इस्तेमाल औषधियों पौधों के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे इसके इस्तेमाल और डोसेस की। तो आइए शुरू करते हैं। इस औषधि को बनाने के लिए नव औषधीय पौधों को अलग अलग मात्रा में मिलाया है और उसके साथ ही कैंसरोसो 2 को मिलाकर बनाई गई है। दोस्तों, मेरा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वीडियो बनाने का मकसद है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को ऑनलाइन पॉपुलर करना, क्योंकि आजकल का ज़माना इंटरनेट का है। जितना ऑनलाइन जानकारी होगी उतनी हमारी पैथी पॉपुलर होगी। इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जिन व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में आप हैं उनमें शेयर करें, ताकि और भी लोग वीडियो देखें। जितने वीडियो देखे जाएंगे उतनी प्रैक्टिस करने में लोगों को मदद होगी। जितने प्रैक्टिशनर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बढ़ेंगे उतना फ़ायदा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को होगा। तो दोस्तों, जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मिश्रित पौधे हैं, उनके औषधि गुणधर्मों को समझते हैं। पहले नंबर पे है गैलियोप्सिस ऑक्रोल्यूका। इसका इस्तेमाल गले की सूजन या सांस नली की सूजन, खांसी, ब्रोंकाइटिस और फ्लूड रिटेंशन के लिए, और यह बतौर एक्सपेक्टोरेंट काम करती है और श्वास मार्ग के सूजन को कम करने का काम करती है। दूसरे नंबर पे है एडियंटम कैपिलस वेनरिस। यह औषधि मुख्य रूप से एक्सपेक्टोरेंट है, ब्रोंकियल जो नली में जो कंजेशन होता है उसे रिलैक्स करती हैं, ब्रोंकाइटिस के लिए उपयुक्त हैं, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी कैटरल है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी है। एक्यूट लंग्स इन्फ्लामेशन जो होती है उसमें जो है ये देने से बहुत फ़ायदा करती है, साथ ही यह एक एंटी ऑक्सीडेंट है। तीसरे नंबर पर है दोस्तों ग्लेकोमा हेडर्सिया, कफ विथ लैरिंजियल एंड ट्रैकियल इरिटेशन, गले में सूजन, सर्दी, खांसी, इन्फ्लुएंजा, हे फीवर, सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, साइनस कंजेशन, साइनस हेडेक, यूस्टाचियन ट्यूब्स में कंजेशन होकर जिसमें सरदर्द होता है उसमें बहुत ही लाभदायक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया में भी बहुत लाभदायक है। चौथे नंबर पे है एलियम सेपा। इसका प्रयोग तब करें जब मरीज को सर्दी खांसी होकर नाक से पानी बहे, आँखों में जलन हो, आईलिड में सूजन हो और आँखें लाल होकर पानी बह रहा हो, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, साथ ही मुंह, गले में और नाक में जलन हो और मरीज को सरदर्द हो, उस अवस्था में बहुत उपयुक्त है, साथ ही न्यूराइटिस में भी उपयुक्त है। पाँचवें नंबर पर है दोस्तों यूकालिप्टस ग्लोबुलस। यह एक बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक औषधि है। यह इन्फ्लुएंजा, हे फीवर और एंटी एक्सपेक्टोरेंट है। ये साइनोसाइटिस हो, टॉन्सिलाइटिस हो, गले में सूजन हो, इरिटेशन हो, ऐसे रोगों में बहुत ही उपयोगी है। छठे नंबर पे है दोस्तों फेलेंड्रियम एक्वाटिकम। यह मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की औषधि है। सर्दी खांसी में नाक से आने वाले पानी को कंट्रोल करती है, साथ ही हाथ पांव में दर्द होकर जो बुखार आता है उसे ठीक करती है। जब किसी मरीज को ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल अस्थमा बार बार होता है उन मरीजों में देने से बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। क्रॉनिक स्मोकर जो होते हैं उनमें होने वाला जो सीओपीडी जो रोग है, उन फेफड़ों के या फेफड़ों के मिडल लोब में होने वाला ट्यूबरक्लोसिस रोग है, हेमोप्टाइसिस है, कि हेमोप्टाइसिस की अवस्था में देने से यह औषधि बहुत लाभदायक है। पॉलीगला सातवें नंबर पे है पॉलीगला हमारा, यह सर्दी खांसी की खास दवा है। और आठवें नंबर पे है यूरेगैगो एपिकैक्यूना। यह अस्थमा, कफ से छाती पूरी भरी हो, जैसे स्टेथोस्कोप अगर रखते हैं छाती पर और पूरी घरघराहट की आवाज़ आती हो, ऐसी अवस्था हो उसमें देने से बहुत फ़ायदा करती है। मरीज को जो है ज़्यादा छींके आ रही हो, आंखें लाल हो, नाक से कंटिन्यूस पानी बह रहा हो, उस अवस्था में देने से भी यह बहुत फ़ायदा करती है। और दोस्तों नवे नंबर पे है ट्यूक्रियम स्कैरोडोनिया।
इसका इस्तेमाल मरीज को ब्रोंकाइटिस होकर सीने में बहुत कफ जमा हो उसे निकालने के लिए यह औषधि एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। फेफड़ों की ट्यूबरक्लोसिस, पुरुषों में टेस्टिकल एनलार्ज होकर उनमें ट्यूबरक्लोसिस हो उसकी यह मुख्य औषधि है। और इसके साथ ही इसको में कैंसरोसो 2 को मिलाया गया है। यह अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों की तरह के इन्फेक्शन में काम आती है। यह सभी तरह के टेम्परामेंट यानी ऑल कॉन्स्टिट्यूशन के मरीजों में बहुत फायदेमंद है। इसका प्रभाव फेफड़ों और सांस नली पर बहुत अच्छा है। यह निमोनिया, ब्रोंकाइटिस आदि में बहुत लाभदायक है। जनरल इंडिकेशन देखते हैं दोस्तों, फेफड़ों के ट्यूबरक्लोसिस में दे सकते हैं, सांस नली की सूजन में बहुत फायदेमंद है, हुफिंग कफ, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, ड्राई कफ जो बहुत ही चिपचिपा हो ऐसी अवस्था में बहुत फायदेमंद है। दोस्तों इसके डोजेज जो है फर्स्ट डाइल्यूशन सूखी खांसी यानी ड्राई कफ को निकालने के लिए करते हैं, सेकंड डाइल्यूशन फेफड़ों के ट्यूबरक्लोसिस सांस नलिका की सूजन में बहुत फायदेमंद है, साथ ही हुफिंग कफ ब्रोंकाइटिस में कर सकते हैं, थर्ड डाइल्यूशन अस्थमा में करते हैं, हुफिंग कफ में करते हैं, प्लेवराइटिस जैसी अवस्था में इस्तेमाल करते हैं, अस्थमा जैसी अवस्था में अस्थमा के लिए लीटर डाइल्यूशन या लाइटर डाइल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। मेरे क्लिनिक में मैं अक्सर इसका इस्तेमाल पिल्स बनाकर ही इस्तेमाल करता हूं, जिसे बहुत लाभ मिलता है। दोस्तों यह थी मेरी पेटोरल 2 पर वीडियो। दोस्तों मैं इसी तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। इस वीडियो सीरीज़ को आगे देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।